हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी स्वीट डिश बनाएंगे जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसे बनाना बहुत ही इजी है, पेठे की बर्फी। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो पेठा, जो मैंने मीडियम वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया है। 250 ग्राम खोया, जो मैंने कद्दूकस कर लिया है। 250 ग्राम नारियल का बुरादा है, जो इजली शॉप पे मिल जाता है। और ये नट्स हैं, इसमें मैंने बादाम, काजू, पिस्ता तीनों मैंने मिक्स कर लिए हैं काट के। ये 1 पिंच फूड कलर है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे बड़ा सा, उसमें नारियल का बुरादा डालेंगे। ये पेठा जो हमने कद्दूकस किया था वो इसमें मिक्स करेंगे। और ये खोया इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसको हैंड वॉश कर लिया है मैंने, अब इसको हाथ से ऐसे मिला लेंगे खूब अच्छे से। इसको दोनों हाथों से आप ऐसे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, खूब अच्छे से मिल जाना चाहिए। ये बर्फी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, और कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने पेठे से बनाई है ये बर्फी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने तीनों चीज़ें इसमें मिक्स कर ली हैं। अब हम इसको 2 पार्ट में कर लेंगे, आधा इसमें निकाल लेंगे और आधा इसमें। फ्रेंड्स, एक थाली लेंगे, उसको ग्रीस कर लेंगे देसी घी से। अब इसमें ये 1 पार्ट इसका ऐड करेंगे। ये बहुत ही इजी मेथड से बनती है ये मिठाई, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, आप ज़रूर बनाइएगा इसको। ये देखिए, इसको से प्रेस कर दीजिए, फोन से सेट कर दीजिए पूरा। ये देखिए, हमने सेट कर दिया है 1 पार्ट इसमें थाली में ग्रीस करके। अब ये जो 2nd पार्ट है, इसमें हम ये जो 1 पिंच हमने येलो कलर लिया था, इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइट येलो। देखिए फ्रेंड्स, खूब अच्छे से मिक्स करिएगा कि ये पूरा येलो हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से येलो कलर मिक्स हो गया है। अब इसको हम इसी के ऊपर सेट कर देंगे। देखिए, स्लोली स्लोली ऐड करते हुए इसको चारों तरफ फैला लेंगे। ये बर्फी बनाना बहुत ही इजी है, आप जरूर बनाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको प्रेस करते हुए अच्छे से सेट कर लीजिए। ये देखिए, हमारी बर्फी एकदम सेट हो गई है। अब इसके ऊपर जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, ये वाले बादाम, पिस्ता, काजू, इसको स्प्रिंकल करेंगे से चारों तरफ। स्पून से इसको ऐसे थोड़ा प्रेस करते हुए सेट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद जब ये सेट हो जाएगा तब इसको हम कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1/2 घंटे बाद हमारी बर्फी सेट हो गई है, अब इसको हम कट करेंगे।
ये देखिए एकदम सेट हो गई है, परफेक्ट रूप से टाइट हो गई है। इसको अपने अकॉर्डिंग इसको कट कर लीजिए। फ्रेंड्स हमारी बर्फी तैयार है, ये देखिए ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। हमारी बर्फी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, नमस्कार, बाय बाय।